अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा एनवा पद क्रमशः ए तथा बी है, यानी प्रथम पद है ए और एनवा पद जो है बी है, एवं पी जो है एन पदों का गुणनफल हो, तो सिद्ध करना है कि पी का स्क्वायर जो होगा ए इंटू बी यानी प्रथम पद और अंतिम पद यानी एनवा पद के गुणनफल के पावर एन के बराबर होगा। चलिए इसे साबित करते हैं। मान लेते हैं, माना जीपी का सार्व अनुपात आर है। प्रथम पद हमारे पास दिया है, प्रथम पद जो है आपका ए है, एनवा पद जो है एनवा पद यानी कहने का मतलब एन जो है इसका बी है, ठीक है। तो यहां पर हमारी जीपी क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे ही करके कहां तक ये चला जाएगा, ए आर का पावर एन माइनस वन, जो कि आपका एनवा पद भी है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से जीपी के एन पदों का गुणनफल यानी जो पी दिया है उसे हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू में ए आर, इंटू कर सकते हैं ना सभी पदों को, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये कहां तक चला जाएगा, ए आर का पावर एन माइनस वन तक ही ना हो जाएगा। p बराबर में सभी a को अलग अलग करते हैं, a इंटू a इंटू a इंटू a, ये ना चला जाएगा, ये कहां तक है n पदों तक, ये n टाइम्स है, देख रहे ना, ये n पदों तक लेना है, ठीक है, n पदों तक, a इंटू a इंटू इंटू n टाइम्स है, या n बार लिख सकते हैं, a कितना बार है, n बार है। यहाँ पे देखो आपका आर है, फिर आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, ये कहां तक गया है, आर का पावर एन माइनस वन तक, आर का पावर एन माइनस वन तक, यहाँ कुछ नहीं तो पावर में यहाँ वन है, समझ रहे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो प्रोडक्ट है वह ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन टाइम्स है ना, तो इसे मैं ए का पावर एन नहीं लिख सकता, और यहाँ r का पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 कहां तक, ये क्या है n माइनस वन पदों तक होगा। ये देख लो, ये ऊपर जो दिख रहा है ना, यह आपका ap ही दिख रहा है, ap में है, इनका योग अब निकालना होगा, समझ गए ना, गुणा इसमें पावर जुड़ जाएगा, और यहाँ एक an टाइम्स था तो a का पावर n हो गया। चलिए देखिए, प्रोडक्ट बराबर में a का पावर n इंटू r का पावर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एपी के लिए प्रथम एन माइनस वन पदों तक का योग निकालना है, प्राकृत संख्याओं के प्रथम एन माइनस, तो हो जाएगा एन माइनस वन बाई टू पदों की संख्या, एन बाई टू यानी पदों की संख्या में दो से करेंगे, दो गुना प्रथम पद टू होता है ना, फिर पदों की संख्या में से एक घटाएंगे एन माइनस वन और इंटू सार्व अंतर, यहाँ घटाओगे तो सार्व अंतर आपका एक आएगा, एन हो जाएगा जी। पी बराबर में ए का पावर एन इंटू आर का पावर एन माइनस वन बटा में टू, और अंदर देखो क्या होता है, टू प्लस यहां भी टू हो जाएगा ना, एन माइनस टू, टू से टू यहां कट जाएगा, तो पी बराबर में आ जाएगा यहां से ए का पावर एन इंटू आर एन माइनस वन, और यहां एन है तो एन को यहां ले लेते हैं, और बटा में दो। अच्छा मैं इसे लिख सकता हूं इस तरह से, पहले दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं क्योंकि पी स्क्वायर बराबर दिखाना था, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए वर्ग करके देखते हैं क्या आता है, पी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a का पावर 2n और इंटू में r का पावर n इंटू एन माइनस वन, ये दो हट जाएगा, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का पावर n है, दोनों के पावर में n है, तो मैं n पावर में बाहर निकाल लेता हूं, a स्क्वायर इंटू r का पावर n माइनस वन का पावर n, ऐसे कर सकता हूं ना जी, ये जो ए स्क्वायर है इसको मैं ए इंटू ए भी लिख सकता हूं, तो पी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए इंटू में ए आर का पावर एन माइनस वन का पावर एन, ए को दो बार मैंने लिख दिया ए स्क्वायर था, तो ए आर का पावर एन माइनस वन ये क्या है, अंतिम एनवा पद दिखा रहा है, तो ए आर का पावर एन माइनस वन एनवा पद है जो कि बी के बराबर है हमारे, तो पी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, यहाँ ए है पहले से ऑलरेडी
और फिर ये आपका b हो जाएगा, ये b के बराबर है और पावर में n, इन्हें हमें प्रूव करना है। समझ गए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन